गैर संवैधानिक रूप से 12% माइनॉरिटी आरक्षण का प्रस्ताव करकर भारत सरकार को भेजना ये अपीसमेंट की पॉलिटिक्स नहीं है क्या? जबकि हमारा संविधान धर्म आधारित आरक्षण को, रिलीजियस आरक्षण को कहीं मान्यता नहीं देता है। उनको भी मालूम है ये आरक्षण हो नहीं सकता, उनको भी मालूम है केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, धर्म आधारित आरक्षण को मान्यता नहीं देगी। सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए उन्होंने ये आरक्षण का प्रस्ताव बनाकर भेजा है। मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में अगर फिर से यही सरकार आती है तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स आगे बढ़ेगी।